माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आप देख सकते हैं चौकोर आकार में एक शेप बना जहाँ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 64 को गाइस सस्ता जुगाड़ मस्त। इधर लोग लाइन लगे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन। जय महाकाल महादेव। ध्यान से देखो हाथ का छप्पा, ये अंगूठा है और ऐसा हाथ। अभी हम लोग आ गए हैं मुक्तेश्वर महादेव के पास। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की मनोकामना पूरी तरह से पूर्ण होती है। तो हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो शुरू करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज पापा अपन कहाँ हैं? महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहाँ भगवान कृष्ण अध्ययन किए थे, पढ़ाई किए थे, विद्या अध्ययन किए थे। तो अंदर चलते हैं, महादेव की मंदिर भी है तो लोगों को दिखाता है। चर्च अपन ऑटो में आए सुबह सुबह और अभी 9:30 बजे तक काफी ज्यादा काफी मात्रा में यहाँ भीड़ है। तो जितना टाइम होता जाता है उतने भीड़, क्योंकि सब उज्जैन दर्शन करने आते हैं तो हर कोई चाहेगा कि पूरा उज्जैन टूर करे ही करे। चलो अंदर चलते हैं, पूरा आपको दृश्य दिखाते हैं। और मां भगवान सुदामा जी का ये यही मिले थे सुदामा जी और श्री कृष्ण। यहाँ पढ़ाई करते थे, उनका गुरुकुल है। हाँ पापा बताए ना, और सुदामा जी यही मिले थे। चलो अंदर चलते हैं, काफी मात्रा में भी भक्तजन आए हुए हैं यहाँ, देख रहे होंगे आप सब काफी संख्या में। हाँ, और ये आश्रम है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री महाकाल। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। अपन अंदर जा रहे हैं भगवान श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद उधर भी अच्छा 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 मूर्ति बना हुआ है वहाँ पे। पहाड़ है कि मंदिर, मंदिर के ऊपर बना हुआ है पापा भगवान श्री कृष्ण, लिखा भी है मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला। बहुत बहुत लोग आते चलते अंदर, देख लो काफी मात्रा में आए। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य राजिम चंपारण में हुआ था, पूरे भारत में घूम घूम करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो प्रचार किए थे, जहाँ जहाँ जा करके वो रुके थे वही उनका बैठक है। ऐसे 84 बैठक है, 73वां बैठक है संदीपनि ऋषि का आश्रम है। अच्छा, तो ये पूरा लिखा हुआ है ना इसमें? जो लिखा हुआ अंकित है और जहाँ जहाँ पे जो फोटो है उसका फोटो लिखा है। और आप लोग आएंगे तो ये पूरा देख सकते हैं। ये यहाँ 73 फोटो है, 73वां। अच्छा, यहाँ 73वां बैठक है। आप लोग जब आएंगे तो यहाँ से पूरा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ बैठे थे। देखने चलते हैं श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। चलो पापा अंदर चलते हैं, दिखाते हैं सबको। ये पूरा यहाँ चित्र के द्वारा समझाया गया ना पापा? चित्र के द्वारा पूरा 8 विद्या। अच्छा, पूरा यहाँ 14 विद्या चित्र के द्वारा समझाई गई है। मीमांसा नहीं, सबसे पहले ना ये मीमांसा, यहाँ से वेदांग चालू, कल्प निरुक्त ज्योतिष छंद शिक्षा। लाइन से चलो ना, 6 वेदांग होते हैं। क्या चीज? 6 वेदांग। हाँ, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की, जिसकी संख्या 6 है। उन 6 वेदांगों की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दी है। देखो, ज्योतिष व्याकरण छंद शिक्षा निरुक्त कल्प। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आप देख सकते हैं यहाँ नहाते थे भगवान जी। बिल्कुल, क्यों नहीं नहाते होंगे। चलो, हम लोग को नहाने नहीं देंगे ना, लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं अपन? अभी हम लोग, पहले हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी 12 विद्याओं को जो अर्जित किया था उसके बारे में हमने जहाँ बताया गया उसको देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएं जो अर्जित की थी उनके बारे में। चौकोर आकार में देखिए एक शेप बना जहाँ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 64 कलाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है।
ये पूरा चित्र है, 64 कला है ना। चलो जी पूरा देखते अपन, ये पहला कला है, ये पहला कला। अच्छा नंबर भी दिया है ना, पहला कला, दूसरा कला ऐसे बताई गई है। अच्छा पूरे 64 कला चित्र के माध्यम से इधर है ना पापा। अच्छा व्याख्या भी है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या, ये देखिए घूम करता हूँ। आगे चलते पूरा वहां से लेके उस साइड से लेके पूरा वहां तक पूरा चित्र में दर्शाया गया है, बहुत ही आसान। अब भैया दीन भर फोटो फोटो, पता नहीं किस लड़की को इतना फोटो दिखाने, इतना फोटो तो मेरे इंस्टाग्राम केवल मैं रील बनाता हूँ गाइस। देखो मार कैसे करूँ गाइस, रुको गाइस फोटो खींचने दो गाइस। भाई यहाँ आके तो एकदम शांति, ऐसा लग रहा अपन वृंदावन में आ गए। श्री कृष्ण जी की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला गाइस। भगवान जी के पाठशाला में वीडियो बनाना मना था, सख्त मना था। पंडित जी देख लिए और उनको बहुत चमकाए, बहुत इनको भर भी दिए हैं 4-5 मुक्का धकाधक। आपको 4-5 मुक्का भरे हैं ना, बहुत 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 मारे हैं, लेकिन मेरा बॉडी देखे ना गाइस, तो पंडित जी का हालत टाइट हो गया। और भैया के लिए हम बोला प्रसाद खरीद लिए हैं स्टूडेंट वाला, ताकि भैया का पढ़ाई वढ़ाई में मन लगे रहे। और नानी भगवान जी का अच्छे से दर्शन किए, भगवान जी के पाठशाला देखे, पूरा अच्छे से प्रसाद है, नानी प्रसाद ले ली है, खाएंगे मस्त आराम से। इसके बाद कहाँ जाना है नानी अपने को? अब भैरव बाबा मंदिर जाएंगे अपन, वहाँ का दिखाते हैं। लेकिन क्या ना यहाँ थोड़ा मंदिर में वीडियो बनाना थोड़ा मना है, इसके अपन थोड़ा सा चुक जा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा चुपके दिखाएंगे आपको। भगवान श्री कृष्ण जी का पाठशाला देखिए, अब आप लोग जा रहे हैं मंगलनाथ, वहाँ चलते हैं जल्दी से। अंडा ने भैया अपने साथ में राहुल भैया मजा आ रहा, राहुल भैया बहुत मस्त आदमी, जब भी उनसे आना है राहुल भैया के पास ही आना है, राहुल भैया का नंबर अपन ले लिए हैं। अब हमारे पीछे मंगलनाथ मंदिर आ चुके हैं, मैं नानी भव्या नित्या सब पहुँचे और चलते हैं अंदर, मम्मी पापा लोग आ रहे हैं। ये इतना मस्त आप लोग एक ऑटो बुक कर लीजिएगा, एक ऑटो बुक करोगे तो हर जगह पूरा घुमा देगा वो, ज़्यादा दूर दूर नहीं है, सब उज्जैन के आसपास 4 किलोमीटर के आसपास है, पूरा पूरा दर्शन करा देगा ऑटो में, 2.5-3 घंटा घुमाएगा, पूरा गाइड कर देगा, पूरा बता देगा। और क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्राइस भी नहीं, कम प्राइस रहती है उन लोग की। अभी हम लोग मंगलनाथ मंदिर आ गए, अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कैमरा हमारा अलाउड है कि नहीं, अलाउड होगा तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं अलाउड होगा तो क्या कर सकता हूँ भाई, दिल में पत्थर रखूंगा, मैं दर्शन करूंगा, आप जब आइएगा तब करिएगा। अभी यहाँ पूजा हो रहा है मंदिर में और ऊपर चलते हैं, भैया आशीर्वाद ले रहे हैं, जल्दी से भैया का शादी वादी हो जाएगा, भैया आशीर्वाद ले लियो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आपको प्रधानमंत्री हम लोग बनवाएंगे। ऊपर चलते हैं मस्त, ये हमारी नानी है, नानी चल रही है, नानी चल रही है और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम नानी के बहुत चश्मा गायब हो गया गाइस, तो ले लिया होगा चश्मा, कोई दिक्कत नहीं। और सामने भगवान जी की जय, भगवान जी सीपियों की ओट में मोतिया जिसको गाइस सस्ता जुगाड़ मस्त, इधर लोग लाइन लगे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन है और भैया जी ऊपर चढ़ चढ़ के दर्शन कर रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे में, सस्ता जुगाड़ देख रहे हो गाइस, मैं भी सस्ता जुगाड़ देखूंगा। ये महंगे फोन का ही फायदा है, जूम करके देखो। इस अभी 5 मिनट पहले पापा से बात करके पता चला जो मंगलनाथ भगवान जी है वो हमारे कुल के हैं, हम उनके कुल के हैं। अच्छा सॉरी गाइस, हम उनके कुल के हैं, थोड़ा भावना में मैं बह गया था, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या यार भावना में बह गया, मेरे साथ रहा करो, समझदार रहोगे थोड़ा, ये पापा समझा दिया हूँ।
अच्छा मंगलनाथ भगवान जी का सवारी ये सवारी आगे आगे चलने दो भैया थोड़ा सा भैया हाँ बकरा ही है ना बाबा बकरा है तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का गाइस ये बहुत अच्छा मंदिर था गाइस पूछो मत इतना अच्छा मंदिर यहाँ हमको फोन फोटो खींचने वीडियो बनाने के सामने से मिल अच्छा लगा थी ये कुंड है क्या पापा कि नदी है कुंड है कुंड है मैं देखो क्या मैं यहाँ बोला पापा को लव मैरिज करवा दो तो मना कर दिया बताओ बैठवा दे रोड में बैठवा दे छोटे जात से शादी करवा दे बताओ करवा दे करवा दे तुम जैसों के कारण ही जात पात देखी जाती है ऐसा मैं नहीं गाइस समाज के लोग कहते हैं हमको क्या हम तो छोटी बड़ी जाति हम आज के मॉडर्न जमाने के लोग हैं हमको जात पात उतना नहीं माइंड लेकिन समाज मानवता गाइस समाज को देख के करना पड़ता है ना हर चीज माता वसुंधरा माँ का मंदिर है जय माता रानी धरती माँ हमारी जय माता रानी कुशल मंगल मंगलनाथ भगवान जी का भी दर्शन हो गया है अब भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं अपन वहाँ ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर कोई नहीं चलो गाइस माफ कर देते हैं बस चलते हैं ऑटो में बैठते हैं ये हमारा सवारी है BMW कार है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं समस्या का को हर समस्या का अपने पास समाधान है सही बात है कि नहीं राहुल जी हर समस्या का समाधान है अपने पास जय श्री महाकाल तो जय श्री महाकाल दोस्तों अब हम लोग फाइनली काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं काल भैरव भगवान उज्जैन के रखवाले कहे जाते हैं उनको कोतवाल कहते हैं उज्जैन के कोतवाल कहते हैं जो उज्जैन के रखवाले हाँ वही इस शहर की रक्षा करते हैं लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा भीड़ लग रहा है भैया यहाँ दर्शन बस अच्छे से हो जाए यहाँ फोन भी अलाउड नहीं होगा ना अंदर नहीं यहाँ नहीं होगा काल और यही मंदिर में मदिरा चढ़ता है ना हाँ बिल्कुल पीना है नहीं एकाध शॉट विधान से विधान एकाध शॉट दारू का चखना वगैरह अच्छा प्रबंध है बोलोगे देखा एकाध शॉट लेके बम हो जाते हैं तीनों भाई गाइस हम लोग नहीं पीते नशा वशा से दूर रहते हैं अपन ये सब पूरे मनोकामना धागा है जो भैरव मंदिर आते हैं आप ही बांध रहे हो भैया भी हमारी मनोकामना धागा बांध रहे हैं मन्नत मांगेंगे और जन्नत को कब्जा कर लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई बहुत बड़ा विषय नहीं बाप रे लाइन से उधर से पूरा बांधे हुए है ना पूरा लाइन से पूरा मतलब जितने भी पुलिस वाला है सब में बांध दिए चलो अच्छी बात है मैं भी बांधता हूँ गाइस अच्छी लंबी लाइन है भाई हर हर महादेव जय श्री महाकाल ये नारा लगाओ यार शर्मा के लिए लगाओ यार जय श्री महाकाल हमारा लड़का है अच्छा नारा लगाया जय महाकाल बोलो हर हर महादेव ऐसा लगा था 5 मिनट में आपका फेफड़ा बाहर आ जाएगा बोले बाबा की भी अच्छे से दर्शन हो गए मजा आ गया जय श्री महाकाल
भैया कैसा लगा बहुत जय जय श्री महाकाल। तो फाइनली अपन पहुंचे गढ़काली का मंदिर पे। तो गढ़काली का मंदिर क्यों फेमस पता नहीं आपको? अरे यार महाकवि कालिदास जी ने यहीं आके माता की पूजा अर्चना की थी, तब से उनका वैभव बढ़ना चालू हुआ, तभी से इतने ज्ञानी हो गए ऐसा मान्यता है। तो अभी हम लोग भी यहाँ जाएंगे, यहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे ताकि मेरे को भी वैसा ज्ञान मिले, ताकि मैं आपको और ज्ञान दे सकूं। चलो जय माता दी बोलेंगे और घुस जाएंगे जय श्री महाकाल। और चलो चलो अंदर चलते हैं माता रानी का दर्शन करने, चप्पल को ही उतारेंगे। जेब कतरों से सावधान गाइस, जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान, समझे? सावधान रहना जेब कतरों से। जेब कतरों तो ठीक है, अगर कोई दिल चुराने वाला हुआ तो क्या करोगे? ले भाई इनको तो हर जगह सेटिंग ही सेटिंग सूझती। अंदर चलते हैं। टैं जय माता रानी। डीजे और नदियाँ जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तो अपन आ गया खाना खाने। माता रानी का अच्छे से दर्शन की वसुंधरा, मस्त देखो सब खाना खा रहे हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। देखो मामा उधर, पापा मम्मी और इधर हम भाई। बहुत आंखों से पता चल रहा हो कितना ज़्यादा थक गया तुम्हारा भाई। अभी खाना खाते उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। अभी तो पूरा आज घूमना है क्योंकि आज लास्ट डे है, उसके बाद कल अपने को चल देना। तो जल्दी जल्दी खाते पेट पूजा करते हैं।